हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्म बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। अनुपमा में अब आने वाला है एक शॉकिंग ट्विस्ट और ये ट्विस्ट सबको हैरान करके रख देगा, क्योंकि अब पहली बार अनुपमा ने अपने बारे में सोचा है और अनुपमा ने दिखा दी है वनराज को उसकी औकात, बता दिया है कि अब वो उसका पति नहीं है। कैलेंडर जाके देखे, क्योंकि अब चीज़ें बदल चुकी है। अब अनुपमा वनराज के किसी भी ऑर्डर को मानने से कर चुकी है। अनुपमा ने अब अनुज की डील साइन कर ये साबित कर दिया है कि वो अब खुद के लिए जीना शुरू कर चुकी है। जहां एक तरफ घर में बवाल मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को उसकी दोस्त ने काफी समझाया है और अब वो अपनी दोस्त की बात मानने के बाद अनुज की डील साइन कर चुकी है अपनी शर्त पर कि वो वहां पर वर्कर की तरह काम करेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अब अनुज के साथ अनुपमा काम करने की डील को एक्सेप्ट कर चुकी है। हालांकि ये बात ना तो बा को हजम हुई है और ना ही ये बात वनराज शाह को पसंद आई है। अब वनराज ने अनुपमा को खरी खोटी सुनाने की कोशिश की, लेकिन अनुपमा ने एक भी बात नहीं सुनी और कर दी वनराज की बोलती बंद और सुना दिया अपना फैसला और कह दिया कि अब वो वही करेगी जो वो करना चाहती है। अब वो किसी और के लिए अपनी ज़िंदगी नहीं जिएगी। बहरहाल वाकई में अब आने वाले दिनों में आपको नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स शो में और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट में बताएं कि आप अनुपमा के इस फैसले से कितना ज़्यादा सहमत है। इस वीडियो में इतना ही।